अनाटमी फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा टाइम देकर पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इतना एक्साइट करता है कि कल जब आप सर्जरी करेंगे तो कैसे आप हर स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। पर साथ ही साथ कई बार जब इतनी सारी नर्व्स, इतने सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स रिलेशंस आते हैं तो अनाटमी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद भी कई बार चीज़ों को याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और यही रीज़न है कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट भी आखिरी में एग्ज़ाम टाइम पर डर पैदा कर देता है। आपको अनाटमी से प्यार ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं वो प्यार आपको वापस नहीं मिल पा रहा है और आप चीज़ें रिकॉल करने में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं अनाटमी से घबराने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अनाटमी को आसान बना सकते हैं, क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल चाहे आपको एग्ज़ाम्स पास करना हो या आप अनाटमी पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले बुक्स कौन सी पढ़नी है, कुछ स्ट्रेटेजीज जो आपको पता होना चाहिए, और फिर चैप्टर वाइज अप्रोच। तो हर बार की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने बैच ग्रुप्स पर डालिए, बिकॉज ये अभी इस समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों की लाइफ में हैं जो कि काफ़ी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाती है। यदि हम एक लर्निंग का पार्ट भी आसान बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम स्टेटस ज़रूर डालते हैं कि बात करिए, हम अवेलेबल हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे एफर्ट्स यदि हम देकर किसी की लाइफ आसान बना सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और शुरू करते हैं कि अनाटमी पढ़ते कैसे हैं। तो बुक्स की यदि मैं बात करूं, सो बेसिकली अनाटमी में बुक्स को लेकर ज़्यादा कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, हर बुक की अपनी एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंस है। तो हम थोड़ा सा जो कॉमन बुक्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं और कब किसे यूज़ करना है समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो BD चौरसिया है, जो कि आपको पता है बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कह सकते हैं आप इसको, आप यदि अपने सीनियर डॉक्टर से पूछेंगे तो उन्होंने भी उनके जमाने में BD चौरसिया ही पढ़ी है। तो नो डाउट इट इज़ अ कम्प्लीट बुक इन इटसेल्फ। और अगर आप सपोज विश्राम सिंह या कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं, तो एक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि न्यूरो अनाट तो आपको कोशिश करना चाहिए BDC से ही पढ़े, बिकॉज मुझे जितना एक्सटेंसिव उसमें न्यूरो अनाट लगा वो उतना बाकी में नहीं है। तो अब बात करते हैं विश्राम सिंह की। विश्राम सिंह जो कि काफ़ी कॉलेजेस में यूज़ होती है, मैंने पर्सनली भी उसे पढ़ी है। तो बेसिकली व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज़ कि विश्राम सिंह के डायग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ऑल्दो BD चौरसिया के डायग्राम भी इजी हैं, बट आपको यदि और इजी डायग्राम्स चाहिए, काइंड ऑफ स्केमेटिक डायग्राम भी आपको वहां मिल जाएंगे, तो विश्राम सिंह इज़ यू नो बेस्ट फॉर डायग्राम्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसी की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी टाइम सेविंग है कंपैरेटिवली टू BD चौरसिया। तो यदि आप एकदम अभी बुक उठा रहे हैं तो आई वुड एडवाइस आप विश्राम सिंह उठा सकते हैं। अब जो नेटर्स एटलस या ग्रेज या और भी कोई सी एटलस आप यूज़ करते हो या कर रहे हो, तो बेसिकली उनका जो एक पर्पस होता है वो होता है डायग्राम्स, बिकॉज आप जितना बेटर किसी चीज़ को अनाटमी में देखेंगे समझेंगे उतना बेटर वो आपको रिटेन रहेगी। सो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है एटलस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप PG की एंट्रेंस प्रिपरेशन करेंगे तो ये मस्ट ही हो जाती है, क्योंकि तब आपको इनको लेकर बैठना होता है और इनके डायग्राम्स देखने होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द एटलस। अब एक बुक आती है SN काजी, ओके, ये बुक मैंने ज़रूर देखी थी एक बार। तो ये बेसिकली इसका जो मुझे आइडिया समझ में आया, इट्स लाइक कि आप 10 दिन बचे हैं और आपको ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, तो बेसिकली ये पूरे आपके क्वेश्चन आंसर ही इसने सम अप करके दे दिए हैं कि आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, तो क्या आंसर लिखना है। तो इसमें अगर आप चाहें तो एक बार हेडिंग्स देखने के लिए कि आपको आंसर को कैसे अप्रोच करना है वो आप देख सकते हैं। बट मेरी जो एडवाइस है कि डायग्राम्स आप इसके फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली इसके डायग्राम्स जब मैंने देखा था तो काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इनएडिक्वेट लगे। तो अगर आपको बस एक हेडिंग और आइडिया चाहिए तो आप ज़रूर काजी देख सकते हैं। तो ये बुक्स का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली आगे डायग्राम्स कॉपी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2-3 स्ट्रेटेजी है जो आपको पूरे अनाट में यूज़ करनी है, ओके। तो फर्स्ट आपको डायग्राम्स कॉपी का क्या मतलब है, आप अभी भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करते होगे नो डाउट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी कॉपी लेना है, ओके। सो आपकी कॉपी, ये पूरी कॉपी खुली है, इसके 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो आपको हर पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जो आपका पहला पार्ट है 1 पेज का, तो उसमें आप सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो फेशियल नर्व, तो आपको उसका बस रफ डायग्राम बनाना है, बिना थ्योरी रीड करें, बस वो डायग्राम देखिए
और एक बार बिना कुछ पढ़े बस बना लीजिए, तो इसके आप में माइंड में छप गया कि बेसिकली ये चीज़ें इस डायग्राम में थी। अब आप थ्योरी पढ़ते जाइए और वो डायग्राम को देखिए, आप थ्योरी बिना डायग्राम के पढ़ेंगे ही नहीं। अगर डायग्राम दूसरी पेज पे है तो उसका फोटो खींच के कैमरे में उसको साथ में रखिए, पर आप डायग्राम हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने वो डायग्राम बनाया, ठीक है, दूसरी पेज के दूसरे पार्ट में। अब आपने क्या करा, अब आपको कई सारे थ्योरी के ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उस डायग्राम में सम अप नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ पार्ट्स तो होंगे जो उस डायग्राम से एविडेंट होंगे, कुछ थ्योरी पॉइंट्स उस डायग्राम में नहीं एविडेंट है, तो वो आप जो आपका दूसरा पेज है उसके पहले पार्ट में लिख लीजिए कि ये थ्योरी पॉइंट्स इस डायग्राम में नहीं है, ठीक है। बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो डायग्राम के ही आप उनको इलेबरेट करके लिख सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हो गया या कोई भी हो गया, तो आप उसको इलेबरेट कर सकते हैं। पर अगर वास्कुलर सप्लाई का कोई पॉइंट लिखा है जो कि कवर नहीं हो पा रहा है डायग्राम में, तो आप वो उधर लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अभी आपका काम हो चुका है, अब आपको अगले दिन उसी डायग्राम को बेसिकली वापस से बनाना है, और उस डायग्राम को आपको बनाना है, और बस ये आपका पूरा एक पेज खत्म हो चुका है आपकी ड्राइंग कॉपी का, ओके। सो ये डायग्राम्स कॉपी में क्या हुआ बेसिकली, अब आपके पास, अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही वीक एंड आता है, ओके, वीकेंड सैटरडे संडे, आपको ये जो राइट साइड आपका पेज था, ये पेज एक बार आपको वापस से रफ में लिख के और ड्रॉ करना है। तो मतलब अब आपने जाने अनजाने में क्या कर दिया है कि आपने एक पूरे टॉपिक का एक नोट बना दिया है कि जो आपको एग्जाम में लिखना है, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे और आपको आगे चल के बहुत मदद मिलेगी। तो क्योंकि जो डायग्राम में पॉइंट्स कवर्ड है वो तो आप थ्योरी में लिख ही दोगे, बट जो डायग्राम्स में नहीं एविडेंट है वो भी अब आपने लिख दिए हैं, और ये आपको यूजुअली करना है हर टॉपिक के लिए। पर जो कुछ टॉपिक है जैसे एब्डोमेन पेल्विस, हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी, ये कंपैरेटिवली टफ है, तो इनमें आपको हर 3 दिन में ये प्रैक्टिस करना है। एक एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतने मास्टर हो जाओगे कि आप बस देखोगे डायग्राम और आपको सारी चीज़ें याद आने लग जाएंगी। तो दिस इज व्हाट इज द यू नो मोटिव ऑफ दिस डायग्राम कॉपी। तो एक जनरल डायग्राम कॉपी है, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब एक और मैं आपको नोटबुक बनाने की सलाह दूंगा, वो है हिस्टोलॉजी के लिए। तो हिस्टोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे टाइम पे हम ऐसा सोचते थे कि एक रात में बैठ के पूरा खत्म कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। लिस्ट मैंने दे रखी है ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बेसिकली वहाँ पे जाके आप सारे जो हैं जो भी ऑर्गन है उसकी लिस्ट बना लीजिए, हर ऑर्गन का या हर स्लाइड जो है आपकी हिस्टोलॉजी में। स्प्लीन है सपोज, तो उसके कैरेक्टर्स 5 पॉइंट्स में लिखिए, बिल्कुल शॉर्ट में, पूरी थ्योरी नहीं लिखना है, बस 5 पॉइंट्स कि क्या टाइप हो गया, रेड स्प्लीन, वाइट स्प्लीन, वो सारी चीज़ें। तो बस आपने टाइप लिखा और फिर आपको वहीं उसी तीसरे कॉलम में डायग्राम बनाना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का लेबलिंग करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो लेबलिंग है, सपोज अगर एक ऑर्गन में कुछ लेबलिंग्स हैं जिनको आप थ्योरी में इलेबरेट करके लिख सकते हो, तो आप वो कैरेक्टर में उस पॉइंट को मत लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको 5 पॉइंट कैरेक्टर के तो याद हो गए, प्लस डायग्राम आपको याद है, तो अब आप उस डायग्राम को इलेबरेट कर सकते हैं, तो आप उससे भी 5 पॉइंट बना देंगे। तो यदि आप एग्जाम में 5 पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आपके पास 5 पॉइंट कहीं ना कहीं रहेंगे दोनों जगह के मिला के। तो दिस विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी टू स्कोर वेल। और जैसे ही आप एक माइंडसेट से डर हटा देते हैं ना कि मुझे स्कोर अच्छा करना है, वो हो पाएगा कि नहीं, तो आप फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है ये चीज, नॉट ओनली बिकॉज यू हैव टू पास एग्जाम्स, बट आपको इसको सर्जरी से आगे रिलेट भी करना है। तो हमेशा मोटिव वो रखिए, तो ये चीज़ आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब एक आखिरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको नॉर्मली बताना चाहूँगा, पेयर अप या मिरर टेक्निक। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कबीर सिंह भी हाथ पे एनाटॉमी के लेसन्स बना बना के सिखाता था, तो बेसिकली वो या आपके डीएच टेबल पे भी ऐसा कोई रहा होगा जो कि पूरे टेबल को बैठ के पढ़ाता था, है ना। तो एनाटॉमी में यही खासियत है कि आप उसको तभी याद रख सकते हैं जब आप एक तो अपनी बॉडी से लिंक करें, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि कई बार इतना फनी वे याद हो जाता है कि अरे उसने ऐसे याद रखा था या उसने ये गलती कर दी थी, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। और अगर आपको लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, आप ऐसे नहीं मैच कर पा रहे हैं किसी से, कोई बात नहीं, अपने आपको मिरर में पढ़ाइए, दिन भर का टॉपिक खत्म कीजिए और अपने आपको पढ़ाइए कि देख यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, बट यही आपका एक डिफरेंस सेट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की है, आपको घबराने का नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक टेक्निक हो गई। अब हम बात करेंगे जनरल जो आपके चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी जो आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब से, ठीक है। तो अब आगे जो भी है इसमें आपको डायग्राम्स कॉपी याद रखना है और इम्पॉर्टेंट लिस्ट जो मैंने आपको दे रखी है वो याद रखना है, ठीक है। और आपके यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट लिस्ट वेरी भी कर सकती है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखना है।
तो अपर लिम लोअर लिम में क्या है, ये आपके सबसे कंफर्टेबल टॉपिक्स रहे होंगे क्योंकि आपने इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप पढ़ते आए हैं इनको, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें टाइम ज़्यादा देंगे वो ईजी हो ही जाएगी। तो अब जब इनको रिवाइज का टाइम आएगा तो इनमें आपको टाइम बचाना है, ये टाइम आपको दूसरी जगह देना है, तो आपको एक साथ रिवाइज करना है। एक तो डायग्राम्स कॉपी बनी हुई है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपर लिम लोअर लिम एक साथ पकड़िए, सारी मसल्स उनकी एक चार्ट में बनाइए, नर्व्स, कंपार्टमेंट, फोसा, चाहे पॉपलीटियल हो चाहे क्यूबिटल हो, और उनके रिलेटेड जो भी क्लिनिकल कंडीशंस हैं। तो ये आपका अपर और लोअर लिम मुश्किल से 2 से 3 चार्ट में पूरा फिनिशअप हो जाना चाहिए, और आपको डायग्राम्स कॉपी के साथ इतना ही पढ़ना है, और आपको बुक्स बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको इतना टाइम कहीं और देना पड़ेगा। तो अपर लिम लोअर लिम में बस इतना सा आपको फॉलो करना है। अब जो आपकी बाकी चीज़ है, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और हेड एंड नेक, ठीक है। अब ये चीज़ जैसे मैं आपको फिजियोलॉजी में कहा था, इन चीज़ों को आप सिर्फ एक पार्ट उठा के पढ़ेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो, यदि आप सीधे जाके ड्यूडनम का रिलेशन पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आसान है, डायग्राम बना लेंगे, याद भी कर लेंगे, हो सकता है रट भी लेंगे, बट उसको समझने के लिए जब तक आपको उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स ही नहीं पता है तो वो लॉन्ग रन में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और अब आप सोच रहे हैं ठीक है बाद में देखेंगे, बहुत टाइम है कवर करने के लिए, ठीक है, तो अभी बहुत कम टाइम है तो आप बस डायग्राम कॉपी करिए और उन्हीं डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और थ्योरी जो रेलेवेंट आप लिख सकते हैं वो लिखिए। पर यदि आपको लग रहा है कि बार बार वही चीज़ मैं कर चुका हूँ टर्म टेस्ट में भी और फिर भी नहीं हो पा रहा है, टाइम है अभी, तो टाइम है तो आप वापस से क्या करिए, नॉवेल के जैसे पढ़िए, मतलब आप पूरा एब्डोमेन उठाइए, कोई भी बीडी चौरसिया उठाइए, और शुरू के चैप्टर्स जो बेसिकली बेसिक चैप्टर्स हैं हर चीज़ के, तो उनसे पढ़ना शुरू कीजिए और उसी अकॉर्डिंग टाइम लगाइए। बेसिकली अगर शुरू के चैप्टर्स हैं तो आधे घंटे में सपोज एक चैप्टर खत्म करिए, तो उसको आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है, कि एक लाइन बारीक से नहीं पढ़ना है, पहले पूरा बैठ के पढ़िए, हाइलाइटर लीजिए, हाइलाइटर 2 टाइप से हाइलाइट कीजिए, एक वो चीज़ जो आपको नहीं पता थी कुछ नया जानने को मिला, और एक वो चीज़ जो जैसे आपको ड्यूडनम का रिलेशन रटना पड़ रहा था, हो सकता है आप थ्योरी पढ़ी हो आपने बेसिक की तो आपको समझ में आओ अच्छा इसलिए ड्यूडनम का रिलेशन ऐसा था, तो एक वो हाईलाइट कीजिए कि क्या आपको लगता है जो आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट में लिंक करेगा। तो एटलीस्ट आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम आपको जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। तो डायग्राम्स कॉपी तो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ आपको अप्रोच इस टाइप से आप कर सकते हैं इन यूनिट्स को, ठीक है। फिर जो अगला यूनिट है आपका बेसिकली न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। तो मैंने अपने स्ट्रेटेजी वीडियो 1 मंथ वाले में भी कहा था, न्यूरो एनाटॉमी इज ऑल अबाउट फ्लैश कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास 8 फ्लैश कार्ड होना चाहिए, 8 फ्लैश कार्ड की आप फोटो भी भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे, हम स्टोरी में शेयर कर देंगे। बेसिकली उसमें क्या होगा, 8 सेक्शन, चाहे आपका मेड्यूला हो, पॉन्स हो, कहीं के भी आपको सेक्शन बनाना है। एक फ्लैश कार्ड में एक पेज काटिए, उसका एक साइड पे आप, या तो आजकल काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं, आप आगे यूएसएम लिया प्रिपेयर करेंगे तो एंकी फ्लैश कार्ड्स भी होता है। तो बेसिकली डायग्राम आपको जो एक फ्लैश कार्ड लेना है उस पर आपको कट सेक्शन बनाना है, ठीक है। उस कट सेक्शन में आपको लेबलिंग्स कर देना है, और पर अभी यहाँ पे आंसर मत लिखिए क्योंकि आपको रिकॉल करने में मदद करेगा, डायग्राम कॉपी में तो लिख रखा है आपने, यहाँ पे ये क्या होगा आपको चलते चलते भी रिवाइज करने में मदद करेगा। तो डायग्राम बनाइए, लेबलिंग लेबल मत कीजिए, और उसके पीछे साइड आप भले उसका जो भी सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्यों पाया जा रहा है या आपको इस पॉइंट से रिलेटेड क्या लिखना है वो आप पीछे लिख दीजिए, तो आप उसको बाद में पलट के देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट न्यूरो एनाटॉमी अलोंग साइड डायग्राम कॉपी। डायग्राम कॉपी और इम्पॉर्टेंट लिस्ट अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, उस पर फोकस रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी और जनरल एनाटॉमी की, बस यही एक बचा है, बाकी सारा हम देख चुके हैं, हिस्टोलॉजी भी हमने देख लिया है। तो इसमें अगेन आपको वही स्ट्रेटेजी करना है जो एब्डोमेन की है, ठीक है। जनरल एनाटॉमी में अगेन मुश्किल से 10 IMP टॉपिक्स हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में भी बहुत सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट अगेन बात वही है, अगर आप सीधे रोटेशन ऑफ गट बस इतना सा 1-2 पेज पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको डायग्राम कॉपी के साथ बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बट जो आपको कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। तो अगेन यदि आपके पास टाइम है तो आराम से बैठ के उसको पढ़िए, हाईलाइट करिए जो भी आपको शेड्स देना है अलग अलग, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता ही है ना, और इंपॉर्टेंट आप एक बार रट भी चुके हैं तो उसको आपको पता रहेगा कि आपको वो याद रखने में क्या पॉइंट मदद किया है। तो आप जब भी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे तो आप वापस इसको रिविजिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एनाटॉमी अब तक का स्ट्रेटेजी वीडियो का सबसे इजी स्ट्रेटेजी वीडियो था, क्योंकि इसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, इसमें एक जैसे यूनिट्स हैं, एक जैसा कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी कर लो, डायग्राम कॉपी के अलावा और कुछ नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ओके। तो डायग्राम कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई वुड अगेन जस्ट यू नो गिव यू अ पंच ऑफ मोटिवेशन कि देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू।
ठीक है, यदि आप पूरी चीज को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब मैंने ये क्लिप प्ले किया था, हो सकता है 2 सेकंड समझ नहीं आया क्या है, बट जब जूम आउट करके पूरी पिक्चर देखी तो अब आपको समझ में आया कि हाँ ये चीज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो कभी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को देख के डरना नहीं है, एक पेज को पढ़ के डरना नहीं है। हो सकता है ये पेज अभी मुश्किल कर रहा हो, बट हो सकता है इसके पिछले पेज पे या आगे आने वाले पेज पे ये चीज समझ में आ जाए। तो हमेशा बड़ी पिक्चर देखिए, छोटी इमेजेस इंस्टेंसेस को देख के घबराना नहीं है, और अल्टीमेटली आप सब चीज अच्छी कर सकते हैं। तो आखिरी में एक गोल्डन टिप दे देता हूँ कि आप चाहे कुछ भी टॉपिक पढ़े एनाटॉमी में या फॉर एनीथिंग एनी सब्जेक्ट, ओके, नॉट ओनली टू स्कोर मार्क्स बट ऑल्सो यू नो बिकॉज यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, सो यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ किक कि आज आपने दिन में कम से कम एक केस कुछ देखा या आपने कुछ एटलीस्ट सीखा। तो अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हो तो हमेशा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस याद रखो, और अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो आप उसको वहां पे भी लिख कर आओ, चाहे एक नंबर का क्वेश्चन हो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना मत भूलना। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग एनाटॉमी। अब आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, और बाकी सारी चीजें जो आपको मदद चाहिए आप बता सकते हैं। और अगेन आई वुड सजेस्ट कि प्लीज अब आप इतना तो कर ही सकते हैं, एफर्ट थोड़े से आपको भी लेना है, ठीक है, शेयर बिल्कुल करिए, क्योंकि अगेन मेरा जो इनिशिएटिव है मेरी नेक्स्ट की प्रेपरेशन के साथ, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि आपका भी आराम से चीजें हो सके। तो यू नीड टू शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट टू। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स।